हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड्स, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से मॉर्निंग व्यू के साथ। तो फ्रेंड्स, आज है ऋषि का बर्थडे, यानी कि मेरे छोटे वाले बेटे का जन्मदिन है आज। और हम आज भी ना जन्मदिन पूरी जो हमारी हिंदू सनातन धर्म है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पंडित को बुलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो वो आगे मैं आपको ब्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से हमने उसकी पूजा पाठ करवाई। और फ्रेंड्स, इतने दिन हमारे घर में थी शादी, तो शादी के पूरे जो रिचुअल्स रहते हैं, किस तरह की हम लोगों ने शादी, हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाले ब्लॉग्स में दिखाने वाली हूँ। तो आगे आने वाले जितने भी मेरे ब्लॉग्स हैं उनको आप जरूर देखिएगा, और ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं ऋषि का बर्थडे किस तरह से मनाया जा रहा है। ओम कुलानां शुद्धां कुलवर्धिनी कुलमायु प्रथम देवीं च नमोस्तुते। ओम आयुवासुवासा परिवीतः विहणोः वेदायते। ओम वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि नवद्गर्गादिना षोडशः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षभूषीर्ष्णुद्योगभूषमवर्तताप्तभ्यां भूमिर्दिवस्रोत्रा तथा लोकम् उकलबेन्नहं प्राणापानाव्यानावदानस्मानस्वानवेद्यान्ते आत्मन्यर्थे जलं समर्पयामि। थोड़ा से जल छोड़ देना। नवेद्यान्ते आत्मन्यर्थे जलं समर्पयामि। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ देख लिए इसी तरह से अपने कुल पुरोहित को बुलाया जाता है और फिर वो नवग्रहों की पूजन करते हैं, और जिससे नवग्रहों की शांति रहे। और अगर कोई भी इस तरह की ग्रह बाधा चल रही है और अपनी जन्मपत्री में कोई दोष चल रहा है, तो उस सब की पूजा ना जन्म दिवस के दिन जो है जरूर करना चाहिए। इससे सारा वर्ष जो है बच्चे का अच्छा व्यतीत होता है। तो बस इस तरह की पूजा पाठ करवाने। और देखिए फ्रेंड्स, ना सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड है, तो पंडित जी भी कैसे अपने हाथों को मलकर गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने वापस जाना भी। और फ्रेंड्स देखिए, अब हम लोग चल पड़े हैं वापस। और अगर आपको दिखाऊं ना, तो गाड़ी को जो है, गाड़ी के ऊपर से ये जो पाला है उसको, जो बर्फ के रूप में जम गया ना, उसको गर्म पानी से श्रीमान जी यहाँ पे साफ कर रहे हैं। बिल्कुल जम चुकी थी बर्फ, अगर देख के दिखाऊं आपको तो, इतनी ज्यादा आजकल ठंड पड़ रही है। और बस उसके बाद हम लोग वापस चलेंगे। और ये छोटा सा ब्लॉग है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और ऋषि को जो है ना बर्थडे विश जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे, और मैं भी अपना सामान फटाफट से रख लेती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और आपको पूरा अपना शादी का फंक्शन दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग भी अभी लेट हो रहे हैं, हमें स्कूल भी पहुँचना है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।